इमरान खान कहते हैं पंजाब के आवाम का फैसला देखकर पीडीएम वाले ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं, इन्हें अपने इख्तदार की फिक्र है, मुल्क के हालात की नहीं। इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बाबर अवान ने कानूनी और आईनी निकात पर ब्रीफिंग दी, बताया बेंच बनाना सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार है। लेक सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर, इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई का इजलास, डिप्टी स्पीकर की गैर आइनी रूलिंग और अदालत मुखालिफ मुहिम का जायजा लिया गया। इमरान खान ने कहा पंजाब की आवाम का फैसला देखकर ये ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं, सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। मईशत की तबाही मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा रही है, इन्हें अपने इख्तदार की फिक्र है, मुल्क के हालात की नहीं। अब ये जो मर्जी कर लें, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। बाबर अवान ने कानूनी और आईनी मामलात पर ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा कि बेंच पर दबाव डालना रहा है, नून लीग की मर्जी के फैसले लेने की तारीख रही है, बेंच बनाना सिर्फ चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार है। अदलिया मुखालिफ मुहिम से लगता है पंजाब के बाद मरकज भी खतरे में है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।